लड़का सिकंदर, राफेल डील से दुश्मन की उड़ेगी नींद, भारतीय नेवी की ताकत में इजाफा, राफेल विमान से कांपेंगे चीन पाकिस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस दौरा भारतीय नेवी के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। फ्रांस दौरे के दौरान पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच सबसे बड़ी डिफेंस डील पर मोहर लगा दी है। इस डिफेंस डील के बाद भारतीय नेवी की ताकत और बढ़ जाएगी, साथ ही चीन और पाकिस्तान की नींद भी उड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच एक बार फिर राफेल डील हुई है। फ्रांस एक बार फिर भारत को 26 नए एडवांस राफेल फाइटर जेट देगा। राफेल निर्माता कंपनी दसॉ एविएशन ने इसके बारे में जानकारी दी। बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को फ्रांस से 26 राफेल जेट खरीदने और 3 फ्रांसीसी डिजाइन वाली स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों की खरीद के प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। भारत और फ्रांस के बीच हुई इस डील से भारतीय नेवी को कई फायदे होने वाले हैं। भारतीय नेवी को लंबे समय से आधुनिक पीढ़ी की लड़ाकू विमानों की जरूरत थी। बता दें कि चीन हिंद महासागर में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इंडो पैसिफिक में चीन की गतिविधियों को देखकर नेवी जल्दी से जल्दी इस खरीद प्रस्ताव को पूरा होने की उम्मीद कर रही थी। समंदर के अंदर भारतीय नौसेना को मजबूत रहने की बेहद ज़रूरत है और इसलिए लड़ाकू विमानों का महत्व तो बढ़ जाता है। बता दें कि फ्रांस भारत से पहले भी राफेल फाइटर जेट की डील कर चुका है। नेवी के लिए खास डिजाइन इस राफेल एम फाइटर जेट का भारत में सफल ट्रायल हो चुका है, उसके बाद ही यह डील हुई है। राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉ एविएशन ने बताया कि सफल ट्रायल के बाद ही इस डील का फैसला हुआ है। बता दें कि इस डील में भारत को 22 सिंगल सीटर राफेल एम मरीन लड़ाकू विमान मिलेंगे। ये लड़ाकू विमान स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर तैनात होंगे। इसके अलावा 4 ट्रेनर राफेल मरीन एयरक्राफ्ट भी मिलेंगे। इसके बाद भारतीय नेवी की ताकत में इजाफा होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जेनिट टाइम्स।